नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल TSK मोटर गैलरी में। दोस्तों, आप सभी के इंतज़ार को ख़त्म करने के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। ये गुड न्यूज़ KTM RC 390 नेक्स्ट जनरेशन के बारे में है। दोस्तों, KTM RC 390 नेक्स्ट जनरेशन की बुकिंग स्टार्ट हो गई है। सो आज ही इस वीडियो में हम KTM RC 390 नेक्स्ट जनरेशन की बुकिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पर बात करेंगे और इसके लॉन्च डेट और प्राइस और कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए वीडियो के साथ एंड तक बने। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को नहीं मालूम, मैं उन सभी लोगों को बता दूं कि KTM RC 390 का न्यू मॉडल आने वाला है। KTM RC 390 नेक्स्ट जनरेशन बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाली है। बहुत ही जल्द इस बाइक का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा और इसके सारे टेस्टिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों, इसके लुक की बात करें तो इसके लुक को टोटली चेंज कर दिया है, स्पेशली फ्रंट से पूरा का पूरा लुक ही चेंज कर दिया। पहले आपको LED इंडिकेटर्स फ्रंट मिरर में मिलते थे, लेकिन इस बार 390 नेक्स्ट जनरेशन में आपको वाइजर में ही मिलते हैं। और साथ ही इसके साइड फेयरिंग की बात करें तो इसको पूरा चेंज कर दिया है और इसके बाइक के ओल्ड मॉडल के मुकाबले इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बनाया गया है, इसके राइड को कम्फर्टेबल और बैलेंसिंग बनाने के लिए, क्योंकि ओल्ड मॉडल बहुत ही अनकंफर्टेबल राइड देती थी। इस RC 390 नेक्स्ट जनरेशन को ओल्ड मॉडल से कम एग्रेसिव बनाया गया है, जो आपको कंफर्टेबल राइड दे। दोस्तों, KTM RC 390 नेक्स्ट जनरेशन में आपको ओल्ड मॉडल वाला सेम इंजन ही देखने को मिलेगा, बस इसको थोड़ा सा रिट्यून करके और रिफाइंड किया जाएगा। इसमें आपको वही 373 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI इंजन देखने को मिलेगा, जो पावर प्रोड्यूस करेगा 42.9 BHP पावर और 35 Nm टॉर्क। ये 6-speed गियरबॉक्स के साथ आएगा। इस बाइक में आपको 9.5 L का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा और इसके टायर ब्रेक वगैरह की बात करें तो आपको ओल्ड मॉडल से सेम ही देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके बुकिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो KTM RC 390 नेक्स्ट जनरेशन की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसके बुकिंग अमाउंट की बात करें तो आप सिर्फ इस बाइक को 10,000 rupees दे करके बुक करवा सकते हैं, लेकिन इसके बुकिंग सब जगह स्टार्ट नहीं हुई है। इसके लिए आप अपने शोरूम में जाकर के पता करें। मेरे हिसाब से ये अभी सिर्फ मेट्रो सिटी में ही स्टार्ट हुई है और छोटे सिटीज में अभी लॉकडाउन की वजह से स्टार्ट नहीं हुई है, शायद लॉकडाउन के बाद स्टार्ट हो। अब इसके प्राइस की बात करें तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका प्राइस 10,000 to 15,000 बढ़ेगा। अभी इसका प्राइस 2.65 lakh एक्स शोरूम है और तो शायद इन न्यू मॉडल का प्राइस 2.80 lakh एक्स शोरूम रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये बाइक आपको कैसी लगी और साथ ही हमें ज़रूर बताइए कि ये बाइक आप बुक करा रहे हैं या नहीं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल TSK मोटो गैलरी को सब्सक्राइब कीजिए।